वोट के अंदर भाई जो मैंने पहले टेस्ट करा था भाई इतनी घटिया ऑडियो क्वालिटी थी, तो भाई हाथ जोड़ के विनती है आपसे, नहीं चाहिए ऐसा डॉल्बी एटमॉस। तो अभी कुछ दिनों पहले ना भाई आप लोगों ने भाई कमेंट बॉक्स पूरा एकदम भर रखा था लबालब, जैसे दिल्ली भर गई थी नहीं पानी से, वैसे भर रखा था तुमने भाई कमेंट बॉक्स में कि रियलमी बर्ड्स वायरलेस 3 की वीडियो लाओ, रिव्यू लाओ, फुल लाओ, और इतने सारे कमेंट थे भाई। लेकिन हम बिजी थे भाई नथिंग फोन 2 के अनबॉक्सिंग रिव्यू के अंदर, तो भाई उस टाइम नहीं कर पाया था, लेकिन अब टाइम मिला। लेकिन अब देख रहा हूँ कि भाई यूट्यूब पे तो 36 वीडियो है इसका रिव्यू के लिए, तो फिर क्या था, ले आए महंगी बातचीत। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन है इन दोनों ही नेकबैंड्स का, इसकी बात करते हैं। तो एक तरफ अपनी महंगी बातचीत और ये है बोट के 525 ANC अमन गुप्ता वाले, और दूसरा भाई ये बोवंडर भाई क्या ही चीज बना रखी है, मतलब ये है रियलमी के बर्ड्स वायरलेस 3 स्काईली, माधव सेठ छोड़ के चले गए, स्काईली अब हेड रहेंगे इंडिया के। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, रियलमी के भाई। और दोस्तों एक वीडियो और हमने नेकबैंड के ऊपर बहुत ही बढ़िया कर रखी है, वो जाके जरूर देखना, यहाँ आई बटन के अंदर आ रही होगी, और वहां पर मैंने 10 नेकबैंड बताएं 700 रुपए से लेकर अगर आपका बजट है 3000 रुपए तो कौन सा बेस्ट रहेगा, वहां पर जाके चेक कर सकते हो, जैसे मैंने बताया आई बटन के अंदर जाके भाई चेक कर सकते हो उस वीडियो को भी। अब ये दोनों जो नेकबैंड है ना भाई अपनी अपनी तरफ से ना भाई बहुत सारे फीचर्स के साथ लोडेड है, मतलब यहाँ पर आपको डॉल्बी एटमॉस जो कि वर्ल्ड्स का नंबर 1 है, मतलब नंबर 1 मतलब इन द सेंस कि पहले अलाया है, मतलब एज ए नंबर 1, और यहाँ पर भाई ANC आ रहा है वो भी बहुत कम प्राइस के अंदर, तो मैंने सोचा क्यों ना लड़वा दिया जाए ने। तो दोनों नेकबैंड्स को ना मैं बहुत दिनों से यूज कर रहा हूँ, इस वाले को तो बहुत ज्यादा दिनों से यूज कर रहा हूँ, और ये लगभग 3-4 दिन से यूज कर रहा हूँ मैं। तो भाई इनकी बात करते हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना भाई बिल्ड और इनके प्राइसिंग के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर बोट आता है 2800 रुपए के अंदर, और यहाँ पर जो इसकी बिल्ड डिजाइन है ना भाई बिल्कुल नहीं लगती, मतलब आप डिसेंट बोल सकते हो, मतलब मजबूती तो पूरी है लेकिन 2800 वाली वो प्रीमियमनेस नहीं है, मतलब ऊपर वाला जो पार्ट है ना वो अच्छा है, बाकी जो है आपको नॉर्मली मिलेगा, मतलब ऐसा लगता है कि 1500 रुपए वाले जो नेकबैंड्स आते हैं ना वैसे कुछ बिल्ड डिजाइन है जो कि इनके खुद के बोर्ड के आते हैं। वहीं थोड़ा सा नीचे की तरफ भी बढ़ोगे ना जो इसके ईयरबड्स है ना भाई वो एकदम नॉर्मल से लगते हैं, मैग्नेट्स भी बहुत अच्छी तरीके से काम नहीं करती, इवन इनकी जो लुक्स है ना वो भी बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं है, ये चीज मैंने नोटिस करी, मजबूत काफी है लेकिन। वही रियलमी की तरफ बढ़ लो भाई, यहाँ पर भी मतलब बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं है लेकिन जिस प्राइस ब्रैकेट के अंदर आते हैं ना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी, मतलब आपको बढ़िया क्वालिटी मिल जाएगी प्राइस के अकॉर्डिंग। ये 2800 रुपए के अंदर नहीं है, ये 1800 रुपए के अंदर है, 1799। और यहाँ पर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो भाई ये भी मजबूत से आते हैं, और इसकी भी वायर की क्वालिटी काफी मजबूत है, और इवन जो इसके ईयरबड्स हैं ये आपको प्रीमियम एहसास देंगे लुक्स में भी, और कुछ कुछ वन प्लस के बुलेट्स जी से भी। और यहाँ पर ना एक चीज और मैंने नोटिस करी कि यहाँ पर मैग्नेट्स काफी अच्छी तरीके से चिपक रही हैं, इवन बोट के अगर मैं उस नेकबैंड से बात करूँ तो थोड़ी ज्यादा बढ़िया तरीके से। कम्फर्ट और मतलब पहनने के तरीके की बात करूँ तो मतलब कौन सा बढ़िया रहेगा, अगर मैं बोट वाले पहन रहा हूँ ना तो यहाँ पर फिटिंग तो ओके है, मतलब थोड़ा थोड़ा बाहर निकलते रहते हैं क्योंकि इनकी ना जो ये टाइप है ना ईयरबड्स की ये भाई थोड़ी सी लंबी है, बड़ी सी है, अगर आप बाइक वगैरह चलाते हो तो भाई कानों में लगेंगे ये हेलमेट के अंदर, और थोड़ी सी दिक्कत रहती है। लेकिन मैं कहूंगा इसके ना ईयर टिप्स चेंज करने पड़ेंगे तब जाके थोड़ा सा बढ़िया तरीके से फिट आएगी, अभी थोड़े से मतलब निकल जाते हैं। जबकि अगर मैं रियलमी वाले चेक कर रहा हूँ ना तो ये कुछ ज्यादा बढ़िया तरीके से आ रहे हैं, इवन ये थोड़े से लाइट भी लग रहे हैं मुझे, वो थोड़े से हैवी लग रहे थे, और ये भी बाहर निकलते हैं, ऐसा नहीं कि ये बाहर निकलते लेकिन थोड़ा सा कम, और फिटिंग अच्छी है इनकी, मतलब पैसिव नॉइज क्रिएट हो रही है, मेरे को बाहर का ज्यादा सुनाई दे रहा, अपनी वॉइस भी ना बहुत कम सुनाई दे रही है। और पहनने में दोनों बढ़िया है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि भाई रियलमी बेकार है या फिर बोट बेकार है, दोनों बढ़िया तरीके से पहनने में आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी आपको। और दोनों की जो वायर की लेंथ है ना वो देख लो यहां तक आती है, और दोनों सिमिलर लगते हैं मतलब लेंथ वाइज। लेकिन अब बात कर लेते हैं फीचर्स की, फीचर्स यहाँ पर थोड़े थोड़े चेंजेस हैं, और प्राइस के अकॉर्डिंग क्या कम है क्या ज्यादा मैं जल्दी से बता दूं, क्विक वे में यहाँ पर लिस्ट भी दिख जाएगी आपको। तो सबसे पहले ब्लूटूथ की बात करते हैं, तो भाई बोट के अंदर आपको ब्लूटूथ 5.2 मिलता है जबकि रियलमी के अंदर ब्लूटूथ 5.3 है। जबकि अगर मैं बात करूं यहाँ पर बैटरी आउटपुट की तो बोट के अंदर 30 घंटे का है जबकि अगर आप ANC वगैरह यूज करते तो 20 घंटे रह जाता है। फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है 10 मिनट में 10 आवर का, जबकि अगर मैं रियलमी की बात करूं तो 40 घंटे और यहाँ पर आपको 25 घंटे का आउटपुट मिल जाएगा अगर आप ANC वगैरह यूज कर रहे हो तो। साथ में यहाँ पर आपको 10 मिनट के अंदर 25 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है। ड्राइवर साइज की बात करूं तो यहाँ पर आपको 11mm के ड्राइवर मिलते हैं बोट के अंदर, 13.6mm के ड्राइवर है रियलमी के अंदर, IPX5 रेटेड है बोट और जबकि IP55 रेटेड है अपने रियलमी वाले। साथ में दोनों जो डिवाइसेज हैं ये ड्यूल कनेक्टिविटी के साथ भी आते हैं, तो मतलब एक डिवाइस कनेक्ट कर लो जैसे लैपटॉप कनेक्ट कर लिया फिर फोन कनेक्ट करना है तो भाई ये भी इजी तरीके से हो जाता है। साथ में दोनों के अंदर आपको इक्वलाइजर मोड मिल जाएंगे लेकिन यहाँ पर बोट के अंदर एडेप्टिव है वो आगे समझाऊंगा, और रियलमी के अंदर भाई आप कस्टमाइज कर सकते हो, दोनों जो नेकबैंड है ये ऐप सपोर्टेड भी है, और यहाँ पर ऐप की बात करेंगे हम अभी। साथ में ANC दोनों के अंदर आता है, एक के अंदर 30 dB यानी कि रियलमी के अंदर, और यहाँ पर 42 dB आता है बोट के अंदर, और कितना कामगर है इसकी बात करेंगे। साथ में यहाँ पर गेमिंग मोड दे रखा है रियलमी के अंदर, बोट के अंदर ऐसे कोई डेडिकेटेड नहीं है लेकिन काम करता है, और इसकी
उसकी भी हम आगे जांच पड़ताल करेंगे। एक फीचर और है जो कि बोट के अंदर आता, वो है डॉल्बी एटमॉस का। रियलमी के अंदर ये फीचर अभी यहाँ पर नहीं है, बट सच में क्या उससे फर्क पड़ेगा ऑडियो के अंदर, वो भी नोटिस करने वाली बात है। इसके साथ साथ ना दोनों जो नेकबैंड्स है ना भाई, ये कंट्रोल के मामले में बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। जो इनका ANC के लिए बटन दे रखा है ना डेडिकेटेड, सिंगल प्रेस करो भाई ANC में आप ट्रांसफर हो जाते हो, और या फिर आप हटना चाहते हो वहां से तो वो भी हट सकते हो। साथ में गेमिंग के लिए भी कंट्रोल्स दे रखे हैं, लेकिन बोट के अंदर तो डेडिकेटेड कंट्रोल है नहीं, तो भाई वो काम नहीं करता। रियलमी के अंदर ये अच्छी तरीके से काम करता है। बाकी प्ले पॉज नेक्स्ट प्रीवियस ये सब कुछ कंट्रोल्स के साथ आप खेल सकते हो इनके ऐप से भी। अपने ये सारी चीज हो गई, अब गेमिंग टेस्ट करते हैं जल्दी से। और यहाँ पर पहले हम कर रहे हैं बोट का, तो यहाँ पर ना कोई गेमिंग लेटेंसी का मतलब कोई क्राइटेरिया ने सेट कर रखा कि 65 है या फिर 88 MS है। आप सुन लो एक बार पहले। तो यहाँ पर ना आपको डिसेंट सी मिल जाएगी, मतलब आपको ऐसा लगा कि 65 या फिर 70 MS के आसपास जो लेटेंसी है ना वो मिल जाती है बोर्ड के अंदर। कोई क्लेम नहीं कर रखा इतनी MS के, लेकिन हाँ ऐसा कुछ काम करती है। इवन जब आप मूवीज वगैरह देख रहे हो या फिर यूट्यूब देख रहे हो तो वहां पर अच्छी तरीके से काम कर जाती है, नो प्रॉब्लम। रियलमी की बात करो तो यहाँ पर आपको 45 MS की लो लेटेंसी दे रखी है। और ये कैसे काम करती है भाई, गेमिंग मोड आता है इसके अंदर, स्विच कर लो। साथ में यहाँ पर इसका आउटपुट सुन लो पहले। अब यहां पर मैंने आउटपुट चला दिया, अब यहां पर ना हो क्या रहा है, 45 MS लो लेटेंसी बहुत कम होती है मेरे हिसाब से। जब मैंने गेम टेस्ट करा ना तो यहां पर मैं महसूस कर पा रहा हूं कि 45 MS जैसा तो आउटपुट नहीं आ रहा भाई, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि 50 या फिर 65 के आसपास का जो आउटपुट है वो लग रहा है यहां पर। 45 मैं क्लेम नहीं करूंगा, लेकिन आप गेम खेल पाओगे, साथ में आप मूवीज या फिर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, या फिर हाँ अगर आप कुछ एडिट वगैरह करते हो ना तो वो भी आप कर पाओगे, नो प्रॉब्लम। अब गाइस जब इतनी बातें हो गई तो अब ऑडियो की बात कर लेते हैं भाई, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा डिफरेंस है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बोट की बात कर लेते हैं। बोट के अंदर भाई 2800 रुपए के हैं, उसके हिसाब से मैं मतलब एक लेवल बना के रख रहा हूं। बोट के अंदर भाई जो मैंने पहले टेस्ट करा था भाई, इतनी घटिया ऑडियो क्वालिटी थी, लेकिन क्यों लाना पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर ना इनकी एक ऐप भी आती है बोट की हेरेबल करके, और वहां पर कुछ अपडेट्स भी आए उसके बाद से ना भाई, कुछ चेंजेस आए हैं बोट वाले के अंदर तो उसकी बात करेंगे। तो पहले से ना भाई अगर ऑडियो की बात करूं तो भाई सच में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है, लेकिन कितना इंप्रूवमेंट है और क्या टक्कर दे पाएगा रियलमी को इसकी बात करेंगे। यहां पर अगर मैं वोकल्स वगैरह की बात करूं, अब जब यहां पर जो मतलब ऐप वगैरह अपडेट होने के बाद कुछ फीचर आ गए, तो भाई यहां पर होता क्या है कि ये ना आपके इयर्स के अकॉर्डिंग भाई एक मैं बोलूंगा साउंड की फ्रीक्वेंसी को सेट करता है, उसके अकॉर्डिंग भाई साउंड को क्रिएट करता है। अडेप्टिव जो इक्वलाइजर मोड था ना वो कुछ सेट होता है, तो वहां पर क्या हो रहा है, पहले से भाई इंप्रूव तो है लेकिन अभी भी मतलब कुछ जगहों पर अभी भी प्रॉब्लम है। जैसे कि जब वोकल्स सुनते हो या फिर कोई म्यूजिक सुनते हो, ऐसा लगता है कि किसी ने इसका गला थोड़ा सा पकड़ा हुआ है, मतलब सिंगर का गला पकड़ा हुआ है थोड़ा सा, मतलब दबी हुई आवाज, हॉलो आवाज जिसको बोलते हैं ना, खालीपन होता है। इवन जो बेस क्वालिटी है वो अभी भी वैसे निकल के नहीं आ रही, ट्यूनिंग सही नहीं है। हाँ पहले से इंप्रूवमेंट है लेकिन अभी भी सही है। और ट्रेबल्स कहने का भी मैं कहूंगा बहुत नीचे हो जाते हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि वो छन छन झन झन वाली जो आवाज होती है ना वो आती है, ऐसा लगता है कि खत्म है कहीं ना कहीं। अगर ऐप भी आप डाउनलोड करोगे ना तो भाई वहां पर बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन इक्वलाइजर को अभी भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अडेप्टिव है वो, अपने अकॉर्डिंग सेट होता है, वहां पर कोई ऑप्शन नहीं दे रखा इसका। बाकी एक फीचर और मिलता है भाई उसके नीचे, डॉल्बी एटमॉस का, जहां पर आपको नेचुरल या फिर मूवी के अकॉर्डिंग ऑडियो मिलता है। भाई मूवी में सिलेक्ट कर देते हो ना तो और जो थोड़ा सा खालीपन होता है ना ऑडियो के अंदर वो क्रिएट हो जाता है, और भाई ऐसा अगर डॉल्बी एटमॉस होता है ना तो भाई हाथ जोड़ के विनती है आपसे, नहीं चाहिए ऐसा डॉल्बी एटमॉस, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं भाई किसी काम का नहीं लग रहा, मतलब ऐसा लग रहा है कि एक फोटो में से अगर कलर निकाल दो ना तो जो नीरस रहती है ना फोटो, मतलब कोई कलर वगैरह नहीं है, ऐसे ऑडियो में से जान निकाल दो ना, ऐसा कुछ कुछ यहाँ पर फील होता है। नहीं चाहिए भाई ऐसा डॉल्बी एटमॉस, नहीं चाहिए। इवन इसके लिए ना मैंने एक पोस्ट भी करी थी भाई इंस्टाग्राम पर, और भाई वहां पर ना बोट वालों का रिप्लाई भी आ गया था, लेकिन भाई क्या चीज बनाई है, मतलब क्या है, क्या है ये, क्या बवासीर बना दी है। इंप्रूवमेंट है लेकिन अभी भी उतनी नहीं है, तो मेरे हिसाब से अभी भाई बहुत काम की जरूरत है। और हाँ एक चीज और मैंने नोटिस करी, जब मैं गेम खेल रहा था ना तो वहां पर भी भाई बिल्कुल साउंड डिफरेंट आता है, मतलब जब मैं चल रहा हूँ ना वहां पर गेमिंग के अंदर तो ऐसा लग रहा है कि मैं रोड की जगह किसी लोहे के प्लेटफॉर्म पर चल रहा हूँ, मतलब बहुत ऐसा लगता है ना आवाज आ रही है थोड़ा सा लोहे वाली, वैसी आवाज आती है। इवन जब मैं टाइपिंग कर रहा हूँ ना, टाइपिंग करके मतलब कान में लगा रहा हूँ, तो जो नॉर्मल जो साउंड है ना फोन की भाई वो नहीं आ रही, कुछ अलग ही साउंड क्रिएट कर रहा है, तो ये चीज भाई बोट के अंदर है। अब बात करते हैं रियलमी की, तो भाई रियलमी के अंदर आपको सुपर
चुम्बेश्वरी जो साउंड होता है ना वो यहाँ पर मिलता है। नाइस। सबसे पहले यहाँ पर एकदम क्रिस्प और क्लियर जो ऑडियो क्वालिटी है ना वो मिल जाती है, साथ में यहाँ पर जो बेस आउटपुट है भाई एकदम माइंड ब्लोइंग है। चार तो इक्वलाइजर मोड है, उसके बाद भी आप इक्वलाइजर को कंट्रोल या फिर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, और इवन वैसे ही जो डिफॉल्ट ऑडियो है ना वो भी काफी बढ़िया है, लाउड भी है, इवन अगर बहुत ज्यादा लाउड सुनने के भी शौकीन हो तो भाई वो भी दे रखा है, लेकिन मैं कहता यही हूँ कि भाई 80-85% के आसपास सुने करो, कान सही रहते हैं जिंदगी भर के लिए। इवन इसके अंदर एक फीचर और है, यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस ऐसा फीचर नहीं, लेकिन स्पार्शियल ऑडियो करके एक फीचर है जहां पर आपको एक 3D या फिर इमर्सिव साउंड आता है, कुछ खुल जाता है, मतलब एक ऑडियो थोड़ी सी और खुल जाती है, वैसा कुछ साउंड यहां पर आपको क्रिएट करने की कोशिश करके। और बाकी जो ऐप है ना, देखो यहां पर रियलमी मतलब अलग ही ऐप बना रखी है, मतलब वहां पर बहुत सारे फीचर है, अगर मैं बोट हियरेबल से कंपेयर करूं तो मतलब यहां पर आपको एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज्यादा बेटर मिलेगा। साथ में माइक्रोफोन का आउटपुट और टेस्ट कर लेता हूं दोनों का, भाई आउटडोर के अंदर दोनों का जो माइक्रोफोन का आउटपुट है कैसे काम करता है ये आप एक बार चेक कर लो। दोस्तों अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बोट के इस माइक्रोफोन से, और यहां पर जो ऑडियो क्वालिटी आ रही है ना ये इसके माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है, और ये कॉलिंग के दौरान या फिर आउटडोर में जब भी आप बात करोगे तो ऐसा एक्सपीरियंस रहने वाला है। इसके बाद हम स्विच करते हैं रियलमी पर। एंड गाइस अब मैंने स्विच कर दिया रियलमी के इस नेक बैंड पर, तो आउटडोर में जब आप इससे बात करोगे कॉलिंग पे तो ऐसा एक्सपीरियंस रहने वाला है। अब आपके एक्सपीरियंस के लिए इन दोनों माइक्स का आप अपना आउटपुट सुन लोगे। अब यहाँ पर रियल जो ऑडियो है ना, मतलब बाहर कितनी नॉइस वगैरह है, तो अब आप वो सुन पा रहे इस माइक्रोफोन से, तो आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि भाई माइक्रोफोन का आउटपुट कैसा है। तो ओवरऑल अगर मैं ऑडियो की बात करूं तो भाई बिल्कुल यहां पर इसके सामने नहीं टिक पाता बोट वाला, और यहां पर ऑडियो भाई चुम्बेश्वरी और एक नंबर मिलती है आपको, मतलब जितने पैसे खर्च कर रहे हो पूरे पैसे वसूल, यहां पर आपको सब कुछ मिल जाता है। एंड गाइस अब बात करते हैं ANC की, तो भाई बोट के अंदर आता 42+ हाइब्रिड करके जो ANC आता है, यहां पर आपको 30 dB का, और डेफिनेटली भाई यहां पर भाई फर्क पता लगता है, 42 dB वाला भाई बहुत ज्यादा साइलेंट है, मतलब इसके कंपेयर में अगर बात करूं तो यहां पर अच्छा खासा भाई 42 का एहसास होता है, और ऐसा नहीं है कि ये 30 dB वाला बिल्कुल काम नहीं कर रहा भाई, यहां पर भी अच्छा खासा साइलेंट हो जाता है। अब ना यहां पर रिक्रिएट कर लेते हैं कि जब आप ना बोर्ड से ANC को एक्टिवेट करते हो और इतना फैन की आवाज आ रही है तो इतनी कुछ कट डाउन हो जाएगी, जैसे ही आप ANC में स्विच करोगे तो इतना कुछ भाई आपको एक्सपीरियंस मिलेगा यहां पर 42 dB के ANC का, और ये खाली मैं रिक्रिएट करके बता रहा हूं, सुनाई तो आपको इसके अंदर देगा। इसके बाद अब आप समझ लो रियलमी पे स्विच करते हो और भाई अभी भी इतनी कोई सिचुएशन है कि भाई ऐसे फैन की आवाज आ रही है, और 30 dB कुछ ऐसा काम करने वाला, तो यहां पर कुछ ऐसा ऑडियो आपको सुनने को मिलेगा, मतलब बाहर का जो मतलब नॉइस वगैरह है ना वो कुछ इतनी कम हो जाती है जब आप रियलमी से सुनोगे। तो अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, ये भाई 2800 रुपए के अंदर महंगी बातचीत बिल्कुल मत लेना, और मतलब आपके पास अगर 2000 रुपए भी हो और 2000 रुपए के अंदर भी मिल रहा हो तो भाई इग्नोर करना, क्योंकि ऑडियो क्वालिटी में जान नहीं है, ANC काफी अच्छा काम करता है। ANC अगर आपको ज्यादा पसंद है और लेना चाहते हो तो भाई ऐसा काम कर सकते हैं तो ले सकते हो। बाकी आपने माइक्रोफोन का आउटपुट सुन लिया था, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भाई इसकी 1799 बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है, मस्ट गो, और यहाँ पर भाई सारी चीजें बढ़िया है, कुछ कुछ चीजें कमी है, जैसे कि ऐप के अंदर कनेक्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, अगर आपने पहले से अपने नंबर से कनेक्ट कर रखा है और आपका अकाउंट है और नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो तो मैं यही कहूंगा कि भाई नया अकाउंट बना लेना, जल्दी कनेक्ट हो पाओगे, एक दो कमियां यही लगी मुझे बस। एंड एक छोटी सी और कमी जो यहां पर आपको 360 स्पेशल ऑडियो वाला जो इफेक्ट दे रखा है ना, उसकी जगह आई थिंक डॉल्बी एटमॉस दे थे तो मतलब ज्यादा ही टक्कर हो जाती, लेकिन हां मैं कोई भी यहां पर ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं कहूंगा कि भाई इससे दिक्कत है, आई थिंक वैल्यू फॉर मनी है। दोनों की जो बेस्ट बाय लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, बाकी पिन कमेंट में भी कर दूंगा अगर आपको बाय वगैरह करने होंगे। और वीडियो यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो डिटेल के साथ मैंने बनाई थी, अगर आपको बढ़िया लगी तो हाँ लाइक का बटन दबा देना, और ये वीडियो शेयर जरूर कर देना उन लोगों तक जो भाई कोई भी नेक बैंड बाय करने का सोच रहे हो, क्योंकि बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाई है हमने। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना अगर कोई फीडबैक वगैरह, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।